अपना चेंज कर दिया क्वेश्चन के शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना। तो पहले मैं आपको बताती हूँ अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार के होते हैं जो कि सार्थक और निरर्थक होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द होते हैं पूरे चार प्रकार के। तो वो चार प्रकार के में कौन से आएंगे, वो एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आएगा अर्थ के आधार पर, और फिर दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा उत्पत्ति के आधार पर यानी रचना के आधार पर जो कि होता है, और फिर तीसरा आएगा आपका देशज जिसमें आते हैं सॉरी व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर उसके बाद आता है आपका प्रयोग के आधार पर। ये तो आपका चार हो गए चार प्रकार। उसके बाद अगर आपसे कोई कहता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, तब आपको उनका क्लियर करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि शब्द कितने प्रकार के होंगे, तब आप उनका पूरा जो आपका ब्लू पेन से आपकी बुक में लिखा हुआ है वही आपको नेम्स बताने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ शब्द किसे कहते हैं, होता क्या है शब्द? कोशिश करो अपनी लैंग्वेज बताओ, बताओ, जरूरी नहीं है कि हम बुक की लैंग्वेज बोले। मैंने आपको क्या सिखाया वो बता दो, किसे कहते हैं शब्द? नहीं पता आपको? मैम पता है। अरे बेटा बहुत इजी लगता है, मैम पता है। हाँ बताओ बताओ। वन वन के सार्थक समूह को हाँ हाँ शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अगर देखो सबसे इजी लैंग्वेज है हमारी, अगर आपको ये सार्थक अर्थक लर्न नहीं हो ना तो छोड़ दो उसको, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको तुरंत आ जाएगी, आया समझ में? Yes, अच्छा तो मुझे बताओ कि मैंने आपको सीधा क्लास में बताया था याद हो तो, कि अब मैंने कह रही वाक्य किसे कहते हैं? मैम वाक्य जब हाँ आपने इधर तो वर्णों को जोड़ा तो शब्द बना, और फिर उसके बाद वाक्य कैसे बनेंगे हमारे? मैम शब्दों के मेल। हाँ 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 बोलो, गुड गुड गुड, बोलो आगे बोलो जल्दी। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। हाँ, बस वेरी गुड, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? क्या होते हैं लिंग? बताओ लिंग क्या होते हैं? नहीं बताओ, इतने टाइम से आप मेरे से पढ़ रहे हो, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक पढ़े हो, उसके बाद आप फिफ्थ में आए हो, और लिंग की डेफिनेशन नहीं पता आपको? पुरुष जाति। हाँ और पुरुष जाति के बोध होते। बेटा ये बताया था कि मैंने आपको, रॉन्ग हो गया आपका, थोड़ा सा सोचो। पुरुष अब इतना टाइम लोगे तो बेटा फिर मेरा तो एक ही बच्ची में इतना टाइम हो जाएगा फिर। पुरुष जाति के पुरुष और स्त्री जाति दोनों को ऐड करो। पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो। हाँ उसे लिंग कहते हैं। गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब मैं एक मिनट, करेक्ट बोला आपने, एक मिनट। हाँ नेक्स्ट बच्चे को अब लगूंगी मैं ताकि वो कनेक्ट होंगे। रिद्धि सिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। रिद्धि सिद्धि उधर से अनम्यूट करो बेटा अपने आप को।
रिद्धि सिद्धि अनम्यूट योर सेल्फ। ओके आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, चलो ठीक है। समर मीणा अनम्यूट योर सेल्फ। समर मीणा अनम्यूट योर सेल्फ। समर मीणा आप भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा ना फास्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो हम जल्दी जल्दी और ले पाएंगे। अगर एक बच्चा इतना टाइम लेगा उसको करने में ही तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। प्रनेश प्रनेश अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ चलो बत आपसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ। प्रनेश आपको मेरी आवाज आ रही है? यस या नो? नवे सिंह मैंने आपको अनम्यूट भी किया था लेकिन आप उधर से अनम्यूट नहीं हो पाए थे क्योंकि आपने टिक ही नहीं किया उसको। ठीक है चलो अब ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है मैं दूसरे बच्चे को देती हूँ। साम्या कुलदीप अनम्यूट योरसेल्फ। साम्या कुलदीप गुड। हाँ तो आप मुझे बताएंगी कि हमारी भाषा तीन प्रकार की होती है, एक तो मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और तीसरी कौन सी होती है बेटा? मैम लिखित भाषा। मैम सांकेतिक भाषा। कौन सी? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। हमारी भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी कौन सी होती है? मैम सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे ये व्याकरण का ओरल टेस्ट हो गया। मैम हमारे रीडिंग नहीं हुई और मैम नहीं। आपका व्याकरण का कब मैंने लिया ओरल टेस्ट? व्याकरण का तो मैंने लिया ही नहीं, अब ले रही हूँ। मेरे पास नेम लिस्ट है। हाँ बोलो कब लिया था मैंने आपका? नो मैम आप भी ले रहे हो ना? हाँ 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 तो चलो बताओ। कहानी नहीं सुनी और वो तो मैं बाद में लूंगी वो चीज। ठीक है अभी जो मैं ले रही हूँ उसका आंसर दो मुझे। यस मैम मुझे बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैम संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेम्स हाँ कौन कौन से नाम है? नाम मैं बताओ। मैम व्यक्तिवाचक जातिवाचक। मैम व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक पदार्थवाचक प्रधानवाचक समूहवाचक। गुड पदार्थवाचक प्रधानवाचक नहीं पदार्थवाचक कहलाता है। ठीक है चलो हाँ तो मुझे बताएं। ओके ओके कोई बात नहीं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यस मैम समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम जिन शब्दों से प्राणी अथवा वस्तुओं के समूहों का बोध हो उन्हें समूहवाचक कहते हैं। वेरी गुड मैम। एग्जांपल्स भी दे? हाँ दो बिल्कुल दो। जैसे भीड़ दल जनता सभा परिवार आदि। वेरी गुड क्या बात है। चलो अब मुझे ये बताओ कि लिंग किसे कहते हैं? यस मैम लिंग किसे कहते हैं मुझे ये बताओ। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मैम फिर से कहना। हाँ हाँ लिंग किसे कहते हैं? एक मिनट अदीबा मैं पहले उसका ओरल टेस्ट ले रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसे कहते हैं? हाँ शब्द के जिस रूप से यह हो कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ ये है या स्त्री जाति के लिए लिंग कहलाते हैं। गुड अरे
शॉर्ट में ही आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से आप देख के बता रही हैं, नीचे झुक झुक के नहीं आप। मैंने परिभाषा लर्न करी थी। अरे वाह, तो मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल दोगी इसका? मैम किसका? लिंग की जो परिभाषा आपने दी है उसका उदाहरण। मैम उसका उदाहरण मैम जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ में, वो मैम जैसे मोर मोरनी गाय गायिका। गुड गुड गुड, आ गया समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? यस मैम। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वेरी गुड, बताओ कि नगर मनुष्य और पर्वत ये कौन सी संज्ञा है? नगर मनुष्य और पर्वत ये कौन सी संज्ञाएं हैं? वेरी गुड सोनाक्षी, करेक्ट। मैम एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। कॉल आ रहा है तो कॉल पहले अटेंड करोगी आप मेरे ओरल टेस्ट को छोड़ के? नो मैम, वो है ना कंप्यूटर पे आ रहा है। मैम हम कंप्यूटर पे ले रहे हैं तो पापा का कुछ आ रहा होगा ना, इसलिए मैम एक बार ले लें। ओके चलो, अब आपका ओरल टेस्ट हो गया, मैं नेक्स्ट बच्चे को लेती हूँ। मैं एक मिनट, हाँ अदीबा एक मिनट, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? अनम्यूट योरसेल्फ अदीबा अशरफ। मैम मेरा तो कल मैम कनेक्शन की वजह से ओरल टेस्ट नहीं हो पाया। तो बेटा आपकी परेशानी की वजह से आप ये भी तो सोचो, और भी तो बच्चे हैं। अगर मैं एक बच्चे को इतना टाइम दूंगी तो फिर बाकी बच्चे तो मेरे रह जाएंगे। फिर कल कितने से बच्चों का ओरल टेस्ट हुआ है? फिर उसमें आप भी अपनी प्रॉब्लम की करती हो, उसको ठीक किया करो पहले से ही। ओके मैम, आप वापस से मेरा ओरल लोगे क्या? अब मैं नेक्स्ट टाइम कनेक्ट होंगी आपसे फिर। हाँ नव्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम हुई आपको? बेटा काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ था, उसमें रह गया था। मैं ले रही हूँ ना आज, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा देखो, वेट करो अपना। मैम अभी आपने जो पहले अनम्यूट करा था तो मैं मेरी सीट पे नहीं थी। ओके ओके मैम, आप अभी ले लीजिए। अब मैं बाद में लूंगी, ऐसे नहीं बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, ठीक है? हाँ सिद्ध, अनम्यूट योर सेल्फ। सिद्ध आपसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ बेटा, तो दिशी शर्मा के नाम से आपने कर रखा है। यस मैम। हाँ आप मुझे ओरल देंगे अभी, ठीक है? बताओ मुझे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मैम क्या? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा। वह भाषा जिसमें अपन विचारों को सुनकर समझते हैं। सुनकर समझते हैं, बोलकर नहीं आएगा उसमें, बोलते भी है ना हम लोग, बोलकर और सुनकर समझते हैं, तो वो हमारी मुख्य भाषा होती है। चलो गुड, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ, मुख्य भाषा होती है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मैम चार प्रकार के। कौन कौन से, नाम बताओ। तत्सम, तद्भव। वेरी गुड। तेज। वेरी गुड। देशज, विदेशी। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जिन शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। हाँ बोलो। वेरी गुड सोनाक्षी, वेरी नाइस। हाँ बोलो।
जिन शब्दों से एक ही अर्थ का बोध होता है तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वेरी गुड, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में काफी सारे बच्चे हैं जो वो लिख करके रॉन्ग 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 रॉन्ग। सोनाक्षी, पहले आपने करेक्ट बोला था आंसर और अब रॉन्ग कर रही हो। हाँ चलो, हाँ बताओ बेटा, आपका जो एक ही अर्थ प्रकट करता है वो कौन सा कहलाता है? चलो नहीं पता, चलो सोनाक्षी ने बताया था मुझे एक अर्थी शब्द कहलाता है। सोनाक्षी का एकदम करेक्ट आंसर। चलो अब मुझे आप बताओगे कि तत्सम तद्भव शब्द पूछती हूँ मैं आपसे कि मयूर को, मयूर शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या क्या बनाओगे आप, कैसे बनाओगे मयूर का तद्भव शब्द? मयूर का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तत्सम तद्भव शब्द लर्न किए थे आपने? मेरी आवाज आ रही है सीधा आपको? यस या नो सिद्ध? लगता है आपकी आप कनेक्टिविटी हट गई दिखती है। चलो एक मिनट, चलो हाँ वेदांशी अनम्यूट योरसेल्फ। वेदांशी, वेदांशी अनम्यूट योरसेल्फ। वेदांशी गुप्ता, मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा, नहीं कनेक्ट हो रहे हैं आप। चलो ठीक है, यशवर्धन तिवारी अनम्यूट योरसेल्फ। यशवर्धन तिवारी आप भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चलो सानवी शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। सानवी शर्मा, यस मैम। गुड, अच्छा मैं आपका ओरल टेस्ट ले रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? सानवी शर्मा, संज्ञा किसे कहते हैं? सानवी शर्मा वीडियो ऑन करो बेटा पहले अपना। सुहानी, समर, दक्षराज सिंह वीडियो ऑन करें अपना। सानवी शर्मा प्लीज वीडियो ऑन करें। बताओ मुझे संज्ञा किसे कहते हैं? चलो ठीक है आपको नहीं पता तो बताओ कि आप मुझे प्रत्यय किसे कहते हैं? वेरी गुड रिद्धि सिद्धि, प्रत्यय किसे कहते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है सानवी? सानवी शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है ना? एक मिनट देखती हूँ। सानवी शर्मा, अरे बेटा ये अनम्यूट करो उधर से, आपने अभी दो मिनट पहले अनम्यूट किया था ना, आपकी आवाज आ रही थी, क्या हुआ? अनम्यूट करो, कनेक्टिविटी टूट गई दिखती है आपको, मैं अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ। सानवी अनम्यूट करो बेटा उधर से। चलो ठीक है आप कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हाँ बोलो क्या हुआ, क्या लर्न नहीं है? लर्न है तो बताओ मुझे आंसर, प्रत्यय किसे कहते हैं?
जिन शब्दों के से किसी स्थान प्राणी वस्तु अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताओ? मैम तीन। कौन कौन से, नाम बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति विशेष। एक तो आप वीडियो ऑफ करके बैठे बेटा, वीडियो ऑन करो। मैं कैसे आपको से आपको देखूंगी कि हाँ आप सच्चे मन से बता रही हैं आंसर। चलो मुझे बताओ, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सानवी, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या हुआ सानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस या नो? चलो आप नहीं बोल पा रही हैं, ठीक है। नव्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस गुड, बताओ मुझे शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? हाँ, किसके समूह को? स्पीक लाउडली बेटा, स्पीक लाउड। हाँ, वर्णों के समूह को, मतलब सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बताओ शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द छह प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बेटा सार्थक और निरर्थक शब्द तो अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, है ना, सार्थक और निरर्थक। और लेकिन हम वर्गीकरण के आधार पर देखें तो शब्द कितने प्रकार के होंगे, यानी वर्गीकरण का मतलब विस्तार से अगर हम देखें तो कितने प्रकार के होंगे वो? चार। कौन कौन से? गुड गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा प्रयोग के आधार पर के शब्द कितने प्रकार के होंगे? हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता मैं बताती हूँ। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? विकारी और अविकारी। वेरी गुड। हाँ अच्छा मुझे बताओगे आप कि हस्व स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं? हाँ हस्व स्वर। वेरी गुड, शाबाश। यानी जिन जिन शब्दों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे तो वो हमारे हस्व स्वर होते हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ भी, हाँ कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ हाँ, कौन कौन से? हाँ वेरी गुड, शाबाश, गुड गर्ल। हाँ अब मैं नेक्स्ट बच्चे से कनेक्ट होती हूँ ताकि, चलो रिद्धि सिद्धि के पास ही जाती हूँ वापस। अनम्यूट योर सेल्फ रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि अनम्यूट करोगी उधर से तो आपकी आवाज आएगी मुझे। हेलो yes, हाँ इतनी देर से आप मुझे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही थी आप?
बताओ। हाँ मैम एक्चुअली कल मैं एब्सेंट थी मैम, परसों भी मैं एब्सेंट थी। ओके चलो अब आप मुझे रेडी हैं देने के लिए आंसर? यस यस मैम। हाँ तो बताओ कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? यस मैम। स्वर हमारे से नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही अटक अटक के आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी और आपको नहीं आ रही आवाज, ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा मुझे बताओ कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ मैम दो। कौन कौन से? स्वर व्यंजन। हाँ, हाँ। और फोर्थ में आकर के नहीं तीसरा, तीन प्रकार के हो जाते हैं ना दो की जगह। फर्स्ट सेकंड क्लास में तो सिर्फ आपके दो प्रकार के होते हैं और फोर्थ में आकर के नहीं आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं। तो तीन प्रकार की कौन सी थी? तीसरा कौन सा है? आपने दो तो एकदम करेक्ट बताए हैं, स्वर और व्यंजन, और तीसरा शाबाश वेरी गुड, तीसरा अयोगवाह। इधर समर समर सिंह राठौर ने मुझे बताया है अयोगवाह होता है, वेरी गुड। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि अयोगवाह किसे कहते हैं? क्या होते हैं अयोगवाह? मैम नहीं पता। नहीं पता? ओ अरे अयोगवाह वो होते हैं जो आपके, देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है। अच्छा पहले मुझे बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी? अभी आपको आ जाएगा मैम, वो साइलेंट होता है। नहीं स्वरों की संख्या कितनी होती है, काउंटिंग में कितने होते हैं स्वर मैम? क्या काउंटिंग में स्वर कितने होते हैं हमारे, संख्या कितनी होती है स्वर? 11, वेरी गुड। 11 कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो? ऐसे ऐसी अंखाली, ए खाली तक। ओ ए खाली तक तो पता है कितने सारे हो जाएंगे, और उसे औरत तक 11 होते हैं, और फिर 12-13 हो जाएंगे अगर ए खाली तक हम जोड़ेंगे तो। उसे हम उसको ए खाली तक नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हम उसको उसे औरत तक रखेंगे, यही हमारे स्वर होते हैं मैम। और तक अह तक नहीं आएगा वो, उसे औरत तक आएगा, ऐ अनाज से लेकर के उसे औरत जो होते हैं वो हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग और अह हम इन दोनों क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो स्वर में काउंट नहीं होते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। आया समझ में? ओके मैम। अह अयोगवाह और भी है अह शब्द जिससे हम प्रातः शने ये शब्द हम जोड़ते हैं बनते हैं जिससे, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे आप व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं मैम? व्यंजन हाँ किसे कहते हैं? क्या होते हैं व्यंजन? इसमें मैम व्यंजन थोड़ा भूल गए, लास्ट ईयर मैंने आपकी क्लास में स्पेशल आई थी और मैंने बताया था ना थर्ड में, थर्ड में उच्चारण नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारों से स्वरों की सहायता होती है उसे वर कहते हैं। अरे वाह क्या बात है, शाबाश वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मैम? 21 नहीं मैम 1 मिनट। हाँ सोच के बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से, और ज्यादा सोचोगी तो फिर मैं मैम 37 हम्म
37 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये भी रॉन्ग। क्या हो सकता है? 27। बस आपका कुछ ना कुछ तो राइट होगा ही होगा। आप अंदाज से लगा रही हैं कि 27 नहीं तो 37, 37 नहीं तो 27 है ना? नहीं बेटा, करेक्ट आपका है 33। और वो 33 कहां से कहां तक होंगे? 33 आपके कहां से कहां तक होंगे? वो कै कबूतर से लेकर के ह से हल तक। ह से हल तक जब क्लास ओवर हो जाए ना उसके बाद काउंट करके देखना आप। yes, ma'am. अकेले में बैठ के पूरी काउंट करना, क ख ग घ ड च छ ज झ ण, ये पूरे क कबूतर से लेकर के ह से हल तक आपके 33 होते हैं या नहीं होते हैं? अगर आपके 33 नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डे क्लास जब आपका पीरियड आएगा ना तब मुझे बताना कि मैम 33 हुए कि नहीं हुए, है ना? तो वो मुझे बताएंगे आप। उसके बाद फिर ह से हल तक लिया ना, क्ष त्र ज्ञ, ये क्यों नहीं लिए? क्या हमने क्ष त्र ज्ञ ये क्यों नहीं ऐड करे? हमने ह से हल तक ही क्यों रखे? क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ये हमने क्यों नहीं इसमें ऐड करे? बताओ। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाए। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट बच्चे को देती हूँ क्लास। आपको एक मिनट। हाँ ताकि याशिका वासवानी अनम्यूट योर सेल्फ। याशिका वासवानी यस, आप रेडी हैं देने के लिए? यस मैम। गुड, चलो बताओ मुझे आशा किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान। हाँ वेरी गुड, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। बहुत तेज लड़की हो तुम, बहुत छोटी सी लैंग्वेज में आपने आंसर दे दिया मुझे। गुड गर्ल। अच्छा अब आप मुझे बताओगी कि रोमन की सॉरी हाँ आप मुझे बताओ कि उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि? हाँ उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। फारसी है? फारसी। वेरी गुड, शाबाश। और पंजाबी की लिपि? गुरुमुखी। वेरी गुड। और अंग्रेजी की लिपि? रोमन। और संस्कृत की लिपि? देवनागरी। अरे वाह क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण सब बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा है ये चीटिंग कर रहे हैं सभी सभी, और जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो सच्चे मन से बैठे हुए हैं वो आंसर बताने की। हाँ वो छोटी से छोटी दुनिया जिसके टुकड़े किए जा सके। जिसके टुकड़े किए जा सके? यस मैम। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके। टुकड़े किए जा सके नहीं, जिसके खंड ना किए जा सके वो हमारे वर्ण कहलाती है, है ना? अच्छा ये बताओ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्या हुआ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तीन कौन कौन से? नाम बताओ जल्दी जल्दी। स्वर व्यंजन। हाँ बोलो। स्वर व्यंजन। वेरी गुड। और तीसरा? तीसरा अयुग्वा।
अयोग वा, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? क्या कहा? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वेरी गुड। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। शब्द दो प्रकार के होते हैं वर्गीकरण के आधार पर, मतलब विस्तार से अगर हम देखें तो शब्द कितने प्रकार के होंगे, यानी वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? पता नहीं। पता नहीं है आपको? शब्द हमारे चार प्रकार के होंगे वर्गीकरण के आधार पर। तो हाँ, अब एक मिनट। गुड अंशु, आपने 33 आंसर पहले दिया था और 52 इसने पूरा कलेक्ट करके नहीं मतलब दिया है इन्होंने, और सोनाक्षी ने, और भव्य वर्मा ने 33 आंसर दिए, सिद्ध शर्मा ने भी 33 आंसर दिए थे उनके, मैं जानती हूँ, मैंने व्यंजन के बारे में पूछा था वो आंसर इन्होंने दिए हुए हैं। गुड, मैं सबका चेक कर रही हूँ किस किस ने किया। बेटा शानवी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला भी था, आपने उधर से अनम्यूट ही नहीं किया, तो मैं कैसे आपको कनेक्ट हो पाती? तो आपको मैं दोबारा चांस दूंगी, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा याशिका वासवानी का ले रही हूँ मैं। हाँ बेटा चलो, अब मुझे एक मिनट ये बताओ, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिससे कोई अर्थ निकले। जिससे कोई अर्थ निकले। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिससे कोई अर्थ ना निकले। वेरी गुड। एग्जाम्पल, सार्थक और निरर्थक दोनों का एग्जाम्पल बताओ। सार्थक का दो, फिर निरर्थक का दो। यस बताओ। लड़का पेड़ गरीब भोजन। अच्छा आपने, चलो ठीक है मैंने मान लिया, लड़का पेड़ गरीब, आपने ये तीन शब्द बोले थे, ये किसके बोले हैं आपने? सार्थक। सार्थक के। तो फिर निरर्थक, निरर्थक बनाओ इसका, कैसे बनाओगी? आपने तीन शब्द बोले, मैंने मान लिया, ठीक है, अब इसका निरर्थक कैसे बनाओगी आप? आपने बोला लड़का और पेड़ और गरीब, तीन शब्द बोले आपने, ये सार्थक शब्द हो गए आपके, ठीक है, अब इसका निरर्थक हम कैसे बनाएंगे? अरे निरर्थक कोई अर्थ ना हो। हाँ लड़की। हाँ लिंग बदल रही हो आपको, आप जेंडर में मतलब चेंज कर रही हो, वो नहीं कर, हमको निरर्थक बनाना है जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो निरर्थक होता है ना, तो लड़का का हम निरर्थक कैसे बनाएंगे? सिद्ध शर्मा, वेरी गुड। लड़का का निरर्थक कैसे बनाएंगे हम? लड़का बड़का। बड़का। पेड़ का निरर्थक? पेड़ तो हो गया सार्थक और वेड़ हो गया निरर्थक। और आपने गरीब बोला था शब्द, तो गरीब कौन सा शब्द हुआ? गरीब वरीब। गरीब वरीब, तो गरीब कौन सा शब्द हुआ? सार्थक। सार्थक और वरीब? निरर्थक। निरर्थक, वेरी गुड, क्या बात है। चलो अब मुझे ये बताओ, संख्या कितने, संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के? हाँ गुड सोनाक्षी, तीन। चलो नाम बताओ कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक।
भाववाचक संज्ञा। और इसके अलावा दो कौन कौन से हैं? दो और भी है ना इसमें, कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, समूहवाचक। और पांचवा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब आपका ओरल हो गया, अब एक मिनट, अब मैं दूसरे बच्चे से कनेक्ट होती हूँ। चलो अंशु के पास जाती हूँ। अंशु अनम्यूट योरसेल्फ, मैं दोबारा चांस दे रही हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए, लेकिन आप कैसे अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। अंशु योरसेल्फ, ऐसे बेटा बहुत टाइम खराब हो लेता है, फटाक से किया करो आप, जल्दी जल्दी अनम्यूट किया करो, आपका टाइम तो ओवर हो गया बेटा, 140 तक होता है, 145 हो गया। चलो शानवी को भी देती हूँ मैं टाइम, अनम्यूट योरसेल्फ शानवी, शानवी शर्मा। यस मैम। हाँ गुड, हाँ अब आप मुझे दोगी ओरल टेस्ट अपना, रेडी है? तो चलो बताओ मुझे फिर कि भाषा कितने प्रकार की होती है मैम। हाँ बताओ भाषा कितने प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन सी भाषा है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं मैम? जब हमें अपने मन के भावों व विचारों को संकेतों में के माध्यम से व्यक्त करके करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोला। लेकिन ये मैं कैसे मानूं कि आपने मन से बता रही हो आप आंसर, क्योंकि आपने तो वीडियो ऑफ कर रखा है, क्या पता है बुक में से चीटिंग करके नहीं और फिर आंसर दे रही हो मुझे, है ना? नो मैम। आपने तो सब नहीं, तो फिर आपने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया मैम? कर लिया। कहाँ किया मैम? कर लिया। अच्छा अच्छा, एक मिनट में देखती हूँ आपका वीडियो ऑन। हाँ अब किया है आपने। हाँ तो मुझे इसका मीनिंग बताओ, सांकेतिक का मीनिंग, फिर मैं समझ जाऊंगी। सांकेतिक का मीनिंग क्या होता है मैम? भावों के विचारों को। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप मेरी तरफ देख के बोलो मैम। भावों के विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाना, तो वो तो हमारी भाषा हो गई। Yeah.